हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीबी किचन। आज हम बनाएंगे होममेड बटर मार्केट स्टाइल में। ये मैंने 6 to 7 days की मलाई ली है, जिसको मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा था। अब इसे ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, ऐसे इसे लगातार चलाते रहें, ये थिक होनी शुरू हो गई है। ये देखिए, ये क्रीम की शेप में आ गई है। अगर ये ज़्यादा हार्ड हो जाए तो इसमें आधा गिलास गर्म पानी डाल दीजिए। ये हमारा बटर निकलना शुरू हो गया है, बटर मिल्क अलग हो गया है। अब हम सारा बटर इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारा बटर इकट्ठा कर लिया है। अब इसे पानी से वॉश कर लेंगे। आप इसे किसी भी शेप के कंटेनर में सेट कर दीजिए। मैं इसे स्क्वायर कंटेनर में सेट कर रही हूँ। ये देखिए, अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। 1 घंटे बाद ये सेट हो जाएगा। नाइफ से इसे निकाल लें। अगर इसे निकालने में प्रॉब्लम हो तो इसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें, फिर ये आसानी से निकल जाएगा। और 10 मिनट के लिए फिर से फ्रीजर में रख दें। मैं इसे फिर से फ्रीजर में रख रही हूँ। ये देखिए, 10 मिनट्स के बाद हमारा बटर बिल्कुल सेट हो गया है। इट्स रेडी टू ईट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमटीबी किचन।